तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हो जी, और आप लोग देख रहे हो सबसे टोटो गेम यूट्यूब चैनल। और आज अपन खेलने वाले हैं GTA 5। हालांकि मैंने आपको 10 या 12 दिन पहले बोला था कि मैं GTA 5 खेलने वाला हूँ, तो आज मैं पहला वीडियो GTA 5 का लेके आया हूँ। और इस गेम के अंदर अपन लोग करने वाले चोरी रोबरी जो भी बोलो करने वाले हैं। अपन एक ज्वेलरी स्टोर से बहुत सारी चीज़ें चुराने वाले, बहुत सारी मतलब कि सोना जो आता है, गहना, सभी चीज़ें चुराएंगे। एंड उसी के साथ बहुत सारी मस्ती भी होगी इस गेम के अंदर, तो देखते रहिए। तो अभी अपन लोग प्लान लेने आए लेस्टर के पास, और लेस्टर हमें बताएगा कि किस तरीके से चोरी करनी है। इस कैरेक्टर का नाम वैसे तो माइकल है, बस मैं इसको डोपिंडर बुलाता हूँ। इसका नाम भले ही माइकल रहा, बट मेरे लिए ये डोपिंडर है, और डोपिंडर मेरे लिए काम करने वाला है। हम लोग चोरी करने जाने वाले हैं, जो डोपिंडर मतलब मेरा कैरेक्टर का नाम है। और सामने लेस्टर है जो मुझे प्लान दे रहा है कि आपको इस तरीके से करना है चोरी। अब लेस्टर जो है मुझे पैसे देगा चोरी करने के बाद, बट उसके पहले मेरे को लेस्टर ये बता रहा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर चोरी है। तो आप मेरे साथ आओ, गाड़ी में बैठो, अपन गाड़ी लेके जाते हैं। और प्लेस पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ज्वेलरी स्टोर है और क्या क्या उसके अंदर सिक्योरिटी, आपको कौन कौन सी सिक्योरिटी ब्रेक करनी है, कैमरे वगैरह जो भी चीजें वो हमें वहाँ पे जाएगा और प्लान बताएगा कि हमें किस तरीके से करना है। तो उसके लिए अपन लेस्टर की गाड़ी में बैठ गए। लेस्टर ने हमें गाड़ी भी प्रोवाइड की। लेस्टर वैसे बहुत धनी का आदमी है, बहुत पैसा इसके पास है। चिमकांडी लड़का आपको जितना दिखता है टकलू, वो उससे कहीं गुना ज्यादा मतलब पैसे वाला है, क्योंकि ये भाई ने मॉस्को से पढ़ाई की हुई है। तो अब तो क्या ही बोले यार, जाने दो। तो अपन जाते हैं, अभी अपन को लेस्टर लेके जा रहा है एक जगह पे। और लेस्टर यार ऐसा है ना कि गाड़ी में बैठा हो बट उसका बड़बड़ करने की जो आदत है वो रहती है। गाड़ी में आप उसके साथ बैठे रहो, ये बड़बड़ बड़बड़ कुछ ना कुछ करता रहता है, बट उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, आपको मेरे गेम प्ले के ऊपर ध्यान देना है। वैसे मेरे गेम प्ले और मेरी बातों में वैसे कोई इतना ज़्यादा लॉजिक होगा नहीं, क्योंकि जो देखो गेम की जो स्टोरी है उससे हटके ही मैं कमेंट्री थोड़ी करूँगा, ताकि मैं गेम को और इंटरेस्टिंग बना सकूँ। तो अभी जाते हैं अपन लोग मॉस्को में, जो ज्वेलरी स्टोर है वहाँ पर लूट करने के लिए। तो अभी अपन लोग मॉस्को के अंदर है और ज्वेलरी स्टोर मॉस्को के अंदर अपन लोग लूटने वाले हैं। वैसे चलो कोई नहीं, जाते हैं। और हमारी गाड़ी देख रहे हो जैसे मेरी ड्राइविंग है, वो भाई साहब एकदम कतई जहर ड्राइविंग है मेरी। और ज्वेलरी स्टोर आने ही वाला है बस थोड़ी समय के अंदर। और गाड़ी कैसी लगी गाइस? ये गाड़ी के पीछे चार बंगड़ियाँ है, मतलब इसके मेरे ख्याल से इसका नाम ओडी होगी, मेरे ख्याल से, पक्का नहीं बोलता क्योंकि गाड़ी के बारे में मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ओडी गाड़ी है। और लेस्टर ने हमें चोरी करने के लिए चोरी करने भेजा है, और उसमें भी ओडी गाड़ी लेके भेजा है। तो समझ रहे हो ना गाइस, ये बहुत ही धनिक आदमी है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ अभी। तो चलो चलते हैं। और कहाँ पे है भाई तुम्हारा ज्वेलरी स्टोर? आ चुका है क्या? ओके चलो। तो लेस्टर ने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है, रोकने के लिए बोला है हमें, और हमने रोक दिया हम। तो चलो गाइस ज्वेलरी स्टोर देख के आते हैं कैसा है ज्वेलरी स्टोर। और लेस्टर ने हमें कांच के अंदर, देखो गॉगल्स के अंदर एक कैमरा दिया है जिससे हम लोग पिक्चर खींचेंगे। जो कैमरा जो गॉगल्स के अंदर मतलब जो चश्मा है उसके अंदर कैमरा है, उसके अंदर से अपन लोग मतलब जो अंदर जाएंगे ज्वेलरी के अंदर शॉप के अंदर, तो वहाँ से हमें फोटो खींचना कि सिक्योरिटी कैसी है। ओके तो चलो अंदर जाते हैं, शांति से जाएंगे, शांतिपूर्वक एकदम बिजनेसमैन की तरह। और उसने अंदर आने भी दिया और हम लोग फोटो खींच लेते हैं क्या सीन है। और देखते हैं ज्वेलरी स्टोर के अंदर आ चुका है। और लेफ्ट राइट जो भी साइड है सभी जगहों पे अपन लोग फोटो खींच लेंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, एंड उसी के साथ मैं शॉपकीपर से भी बात कर लूँगा, जो लड़की खड़ी है उससे भी मैं बात कर लूँगा। और जैसे ही उसके साथ हमारी बात हो जाएगी, अपन लेस्टर के पास जाएगा और उसे प्लान बताएगा कि वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो लेस्टर वैसे बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत ही लड़का तो नहीं बोलेगा, बुढ़ा है, एक नंबर का सन के बुढ़ा है। तो यहाँ पर हम इस शॉपकीपर से बात कर ले, तो उससे बात करने वाले अपन लोग ज्वेलरी के बारे में, ऐसे कि मेरी गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी चाहिए, उसको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरी बीवी है एक, मेरी गर्लफ्रेंड, दोनों को ज्वेलरी चाहिए है, तो क्या आप हमें ज्वेलरी प्रोवाइड कर सकते हो? हमारा डोपिंडर बात कर रहा है इस लड़की से, और मेरे ख्याल से ये भी मेरे ख्याल से अगर 10 मिनट तक और बात करेगा तो जो ये शॉपकीपर है वो इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि अपना जो डोपिंडर है ना गाइस, डोपिंडर को तुम कम मत आंकना, एकदम जहरीला आदमी अपना डोपिंडर। और डोपिंडर के साथ अपन आगे भी चोरियाँ बहुत सारी करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है गेम प्ले, बट यार लाइक जरूर करना यार, GTA 5 का वीडियो मैं पहली बार डाल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही एकदम ओपी वाला सपोर्ट दिखाए। और इस वीडियो के अंदर 15 से 20 हज़ार लाइक हो जाते हैं तो मैं दूसरी बार भी GTA 5 खेलूंगा। मैं नहीं बोल रहा गाइज आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, भाई देखो मैं GTA 5 खेलना चाहता हूँ और मैं खेलूंगा गाइज, तो सपोर्ट करना जरूर से जरूर। और मेरी शॉपकीपर से बात हो चुकी है, मैं जाऊँगा अभी लेस्टर के पास। तो इसके लिए मैंने बोला गाइज लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अब लेस्टर के पास मैं भागता हुआ जाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि यहाँ पे ये सब चीज़ें, कैमरा वेमरा लगा हुआ, एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक शॉपकीपर है, एंड वहाँ पर विजिटर भी आते हैं सभी चीज़ें लेने के लिए, मतलब कस्टमर। अरे यार सोने की ज्वेलरी की दुकान है, कस्टमर तो आएगी
आएंगे। अरे मानसिक संतुलन अपना खराब हो रहा है, क्या ही बोले मतलब यार। तो चलो जाते हैं गाइज, वो लेस्टर ने बोला है हमें एक्सेस पॉइंट ढूंढना है उसका, जो मतलब छत है उसका, अगर इतना ज़्यादा है तो वहाँ पे एसी होगा। लेस्टर बहुत स्मार्ट है, उसने बोला एसी होगा तो एसी का जो मतलब रूप होगा उसके ऊपर वो होगा, तो हमें जाना है मतलब छत के ऊपर, रूप मतलब कि छत के ऊपर। जैसे आप लोग इंग्लिश जानते हो तो क्या यार, मतलब मैं बहुत मतलब क्या ही बोले, चिमकांडी आदमी हूँ मैं। तो अपन जाते हैं छत के ऊपर और फोटो क्लिक करके लेस्टर को बता देते कि यहाँ पे लेस्टर ना ऐसा बंदा है, वो चोरी बोरी करवाएगा हमसे और क्रेडिट मतलब जो पैसा ज़्यादा होगा वो वही रखेगा, और हम एज ए चोर उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अपन जाते छत के ऊपर और देखते क्या चीज़ होती है। एसी का जो वो क्या बोलते हैं, एसी का वही बोलते हैं कूलर बोलते हैं ना, एसी का कूलर थोड़ी बोलेगी उसको, जो भी है एसी का जो पिछवाड़ा होता है, पिछवाड़ा नहीं बोलेगी इसको। ऐसा देखो, ऐसा कंटेनर होगा, उसका फोटो खींचना है। वो लेस्टर हमें बोल रहा है सबसे जो हाई टॉप पॉइंट है इस छत का, वहाँ पे जाके फोटो खींचना ताकि एकदम क्लियर फोटो आए और मुझे मजा आए। अब लेस्टर को पता नहीं क्या ही चाहिए भाई अभी। तो अपन जाते हैं यहाँ पे, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आ चुके हैं अपन लोग रुक के ऊपर, और फटाफट से अपन जाते हैं और उसको फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो चलो गाइस अपन जाते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे कोई मिल जाए तो, नहीं कोई बात नहीं, सामने रहा ये रहा टॉप, तो ऊपर चढ़ते हैं अभी। अरे ये हुई ना बात, यहाँ पे आ चुके गाइस, यहाँ पे आना था टॉप के ऊपर आ चुके, सबसे ऊंची जगह यहाँ की देख सकते हो आप लोग, आसपास कोहरा ही कोहरा है आसमान की ऊंचाई पे। और मेरे ख्याल से कंडीशनर का जो वो कूलर है वो सामने रहा, ये रहा। ओके चलो बुके मत मार भाई, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाए यार डोपिंडर क्या यार। तो अपन ने गूगल्स के अंदर जो कैमरा था उसे एक्सेस कर लिया और आसपास की तस्वीरें मैंने खींच ली है एकदम अच्छी तरीके से, और मैंने फोटो भी खींच लिया है। अब लेस्टर मुझे बोल रहा है फटाफट से गाड़ी में आ जा, अपन को अपनी टीम बनानी। अब सबसे बड़ी बात गाइज, तो गाइज यहाँ पे हमने जो ज्वेलरी स्टोर है उसे पूरा देख लिया है, कहाँ से जाने का रास्ता है और कहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी उठता है कि मैं अकेले से तो रोबरी हो नहीं पाएगी, मेरे को पुलिस आराम से पकड़ लेगी, तो मुझे चाहिए टीम, और जो लेस्टर है वो मेरे लिए टीम बनाएगा। मेरे को सबसे बड़ा जो मेरा टीम में चाहिए वो फ्रैंकलिन, अगर फ्रैंकलिन आ जाएगा तो एकदम चोरी जो रोबरी है वो आसान हो जाएगी। मैंने फ्रैंकलिन का नाम वैसे कोई सोचा नहीं है, बट मैं मेरे अपना अपने हिसाब से एक फ्रैंकलिन का नाम सोचूंगा, और उसका नाम भी अपन माइकल की, माइकल का नाम जैसे डोपिंडर किया है वैसे उसका भी नाम कुछ अच्छा सा कर देंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और स्टोरी गाइस देखो आगे बढ़ेगी, बट आने वाले एपिसोड बहुत ही मतलब खतरनाक, एपिसोड तो नहीं बोलेगा, आने वाले वीडियो GTFI के बहुत ही खतरनाक मैं बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। और बट अभी के लिए अपन छत से नीचे उतरते हैं और फोटो वोटो हमने खींच लिया। आप लेस्टर को बोलते तो फटाफट से टीम ला और हमें प्लान दे हम किस तरीके से चोरी करेंगे, क्योंकि चोरी करने में फटाफट जाना, मैं इधर से छलांग मार लूंगा कुछ नहीं होगा। चलो मैंने छलांग मार ली ऊपर से, थोड़ा सा खून बह गया बट कोई बात नहीं, अपन है एकदम पीरो आदमी, अपन को कुछ नहीं होगा। तो गाड़ी में बैठ जाते और मॉस्को सिटी के अंदर आया हुआ है ज्वेलर्स को हमने देख लिया, और इस ज्वेलर्स के अंदर अपन लोग चोरी करने वाले हैं। यहाँ पे माना जाता है कि आमिर भाई की स्कूल भी है, बट अरे क्या यार ये स्ट्राइक बाइक लगवाओगे क्या। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे जाना है भाई, अरे गाड़ी को ठोक दिया गाइज, इसको नहीं देखना चाहिए था आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर देना गाइज, लाइक जरूर करें, और आगे बढ़ते हैं। और लेस्टर का जो घर है वहाँ पे जाते हैं, लेस्टर हमें उसके घर पे पहुँचने के बाद हमें पूरा का पूरा प्लानिंग देगा हमें किस तरीके से करना है। हमें एक हैकर चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए और एक गन चाहिए, जो गन चलाने वाला एक्सपर्ट चाहिए, हैकर ड्राइवर और गन चलाने वाला एक्सपर्ट। तो चलो चलते हैं लेस्टर के घर पे। तो गाइस थोड़े समय के बाद अपन लोग आ चुके हैं लेस्टर के घर पे, और लेस्टर मुझे समझा रहा है प्लान की आपको जो अलार्म सिस्टम है उसे मतलब बंद करना है, और एक हैकर आपको चाहिए तो हैकर मिलेगा, जो हैकर आपका जो कैमरा सिक्योरिटी वगैरह होगा उसे भी क्रैक कर देगा तो आपके लिए आसान होगा। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक फाइट के साथ जा सकता हूँ डायरेक्ट, मैं एक क्रू मेंबर बन सकता हूँ जिसे मैं डायरेक्ट फाइट करूँगा, या तो मैं पूरा मिशन कम्प्लीट करूँगा। तो मैं स्टार्ट मूव जो स्मार्ट मूव है उसे चूज करने वाला हूँ, बी वाला। तो अभी अपन बी वाले प्लान के साथ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और हमें चाहिए हैकर में एक लड़की आएगी मेरे ख्याल से, और फ्रैंकलिन तो चाहिए चाहिए, अगर हमें एक अच्छी रोबरी करनी है तो फ्रैंकलिन एकदम बेहतरीन एक योद्धा रहेगा हमारी टीम का। और मुझे बोल रहे कि मेरे को लिस्ट बोल रहा है तुम्हें कौन कौन से प्लेयर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने जो गनमैन है उसे ले लिया है मोटो को, और पेज को लिया है हैकर है पेज, और ईडी को लिया है जो मतलब ड्राइवर है, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइविंग करता है। मैंने इस नाम में कोई प्रोनाउंस इधर उधर कर दिया हो तो सॉरी, बट ज़्यादा इतना ज़्यादा डिप कौन जाएगा। तो चलो गाइस तो आगे बढ़ते अभी अपन लोग रोबरी की तरफ, तो अभी अपन लोग जाते हैं और जो बंदे उन लोगों को बुला लेता है। लेस्टर बोल रहा है तुम अभी थोड़ी देर रुको एक दिन के लिए, मैं भी सबको कॉल करता हूँ, कल सुबह तक सभी लोग इधर आ जाएंगे, जो तुमने जो जो बंदों को ड्राइवर वगैरह को बुलाया तो उस कल सुबह तक आ जाएंगे। तो एक रात मतलब बीत चुकी है, मैं लेस्टर के घर पे ही था, हमें लेस्टर ने कपड़े वगैरह भी दिए जिससे हमें पुलिस पहचान ना सके और अच्छी तरीके से हम लोग रोबरी करने के बाद भाग भी सके। तो लेस्टर के प्लान के मुताबिक मैंने सभी को यहाँ पे बुलाया, फ्रैंकलिन भी आया है, फ्रैंकलिन जो मेरा एक दोस्त है वो भी आया है, एंड उसी के साथ हैकर के लिए एक लड़की बुलाई थी, वो लड़की आई है छमिया आई है, एंड दो हमारे जो
नौजवान लड़के हैं, ड्राइवर और गनमैन जो गन चलाने में एक्सपर्ट है, वो लोग भी आए और मैं उन सभी लोगों को प्लान समझा रहा हूँ कि बाबा देखो कैसे करने का है। अपन को सबसे पहले तो लेस्टर को मार देने का है, लेस्टर को मारेंगे तो भाई फिर पैसा नहीं मिलेगा, तो लेस्टर को नहीं मारेंगे। और लेस्टर भी कुछ बोल रहा है कि देखो गाइज आप लोग पहली बार चोरी कर रहे हो तो याद रखना अपना जो भी होता है थोड़ा कंट्रोल रखना अपने आत्माओं के ऊपर, वरना तुम लोगों को बहुत ज्यादा मार पड़ सकती है। तो लेस्टर की बातें अपन लोग ने सुन ली है और अभी अपन जाते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेस्टर बहुत ज्यादा पकाने वाला आदमी है, टकलू बोस है अपना, और बहुत ज्यादा पकाता है चिमकांडी गधा साला। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं जो अपना डोपिंडर है उसे बोल रहा है फ्रैंकलिन को, तू मेरे साथ आएगा, बाकी जो भी गांडू लोग हैं हमारे टीम के वो दूसरी जगह पे जाएगा। अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो फ्रैंकलिन मेरे साथ है और मैंने फ्रैंकलिन को बुलाया है गाड़ी के अंदर, मैं गाड़ी ड्राइव करने वाला हूँ। फ्रैंकलिन को बोला है तू बैठ जा मेरे पास में, अपन जाएंगे शेयर पे, मजा आएगा। तो गाइज अपन लोग जाने वाले, अभी रोबरी का टाइम हो चुका है, ज्वेलरी स्टोर पे मैं इसको लेके जाने वाला हूँ फ्रैंकलिन को। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग ज्वेलरी स्टोर की साइड पे। तो गाइज थोड़े समय के बाद अपन लोग आ चुका है फ्रैंकलिन को लेके यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर की साइड पे, और फ्रैंकलिन को मैं बोलूँगा तू छत के ऊपर जा, और जो वहाँ पे हमने देखा था एक कंटेनर जो एसी का हुआ है। अरे तुम डरते क्यों? अरे चाचा मैं तुम लोगों को थोड़ी मारूंगा, मैं गाड़ी पार कर रहा हूँ। तो मैं फ्रैंकलिन को बोलूँगा तो ऊपर जा छत के ऊपर, और वहाँ पे जो गैस आता है वो गैस लीक कर दे, जो एसी का वहाँ पे ऊपर वो लगा हुआ है वो एसी का ही है मेरे ख्याल से, बाकी मेरे को पता नहीं पक्का कौन सा है, बट उसके अंदर से एयर कंडीशन की हवा जाती है, एयर कंडीशनर जो है उसकी हवा जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं इंग्लिश के अंदर, बट अपन वहाँ पे ऊपर जाने वाले हैं और उसके अंदर गैस छोड़ देंगे, जहरीला गैस छोड़ेंगे। उसकी वजह से होगा ये कि जो मतलब वहाँ पे शॉप के अंदर काम करने वाले वर्कर है और जो भी शॉप के अंदर बॉडीगार्ड हो गए और भी जो भी बंदे हो गए, वो लोग मतलब जो आग होगी, आग नहीं बोलेंगे उसको, गैस की वजह से बेहोश हो जाएंगे, और बेहोश होने के कारण हम लोग आराम से लूट करके निकल जाएंगे। तो बट लूट तो हम आराम से कर लेंगे, बट पुलिस को तो कोई ना कोई कॉल कर ही देगा, तो पुलिस पीछे पड़ेगी पड़ेगी। बट अभी अपन लोग फ्रैंकलिन के मुद्दे पे आते हैं। फ्रैंकलिन जो है ऊपर चढ़ रहा है, अपने जो रूप ढूंढी थी मतलब जो छत के ऊपर एक टोच का वो देखा था, वहाँ पे जाना है और वहाँ से इसको गैस छोड़ना है। तो गैस छोड़ने के लिए गैस वाले बम भी चाहिए, जो सब चीज़ें अपना फ्रैंकलिन बब्बा लेके आया है। तो चलो ऊपर चढ़ो फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन भाई आग लगा देनी है अपन को ना, सबको दिखा दो तुम्हें कितनी ताकत है फ्रैंकलिन भाई। तो फ्रैंकलिन भाई ने हाथ में ले लिया अभी गैस, अरे हाथ में गैस लेना भाई, यार थोड़ा धीरे चलता है क्या सिस्टम, अरे भाई गैस गैस वो बीच वाला ओके। तो यहाँ पे अपन लोग छेद के अंदर डालने वाला है एलो मार के, वहाँ पे डाल दिया पहला गैस, दूसरा गैस का वो डाल देते, तीसरा डाल देते, चौथा भी डाल देते, पूरा मतलब एक से काम चल जाता, बट मैंने 5-6 डाल दिया, मैंने बोला यार डाल दो गैस, मतलब ओके गैस छूट चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे लड़की जो है माइकल की गर्लफ्रेंड, माइकल क्या अपना डोबिंडर की गर्लफ्रेंड, वो मतलब एक क्लाइंट के साथ बात करी, क्लाइंट क्या उसके साथ, बट बेहोश हो गई, ओहो मानसिक संतुलन खराब होता हुआ बब्बा का। और जो मतलब इसका बॉडीगार्ड जो खड़ा था शॉप के पास वो भी गया, ढेर हो गया। और हमारी टीम बाहर जो को वेट ही कर रही थी, गनमैन वगैरह वगैरह जो भी है। तो हम लोग आ चुके गाइज लूट करने के लिए, और कितने मतलब कितने डॉलर का लूट होता है वो आपको राइट साइड में दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे ख्याल से मैं कितने डॉलर का लूट कर सकता हूँ, जो भी होगा लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में आपको दिख जाएगा। तो हमें फटाफट से जो ज्वेलरी स्टोर है पूरा का पूरा लूट लेना है, और अगर पुलिस पीछे पड़ेगी तो भाई सब जहरीला मतलब हो जाएगा, बट पुलिस तो आनी आनी है। तो अपन लोग पहले फटाफट लूट लेते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब सब चीज़ें हैं उसको उठा लेते हैं, और बाड़ी जो मेरी गाड़ी है, बाड़ी नहीं गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है उसको लेके हमें डायरेक्ट फिर भाग जाना है। वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है बट कोई बात नहीं। तो अपन लूट लेते हैं, मेरे पास येलो वाली स्किन है क्या इसके अंदर गन की, एक गन कौन सा है मेरे हाथ में, जो भी हो चलो जाने दो। और हमारे जो मतलब टीममेट्स है वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूटो लूटो फटाफट से लूटो, हर बार सब कुछ लूट लो यार, अपनी बीवियों को देना यार, अपनी गर्लफ्रेंडों को मतलब यार दे दो यार हार वगैरह, यार आईफोन खरीद के दूंगा यार मैं। देखो गाइस अभी इतना पैसा आ गया है कि अपने पास की कोई टेंशन ही नहीं। ए लो तोड़ दिया एक और बार, क्या लूट मिली मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है पुलिस आती होगी, और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है गाइस, मानो या ना मानो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे सब कुछ लूट लिया है, फटाफट से बाहर निकलते हैं। और ये रहा, अरे समझा मत चिमकांडी, चल चाइडर मार एले घरे, हमको समझाएगा क्या, अपन पीरो आदमी है पीरो, तो उसको पता नहीं है क्या पीरो क्या होता है, एकदम पीरो आदमी। तो चलो गाइज यहाँ पे हमने लूट कर लिया, उसको बेग दे दिया और गाड़ी लेके मैं निकल रहा हूँ, और पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है। पुलिस जो है भाई एकदम क्या ही बोले अभी, अब क्या करेंगे, चलो कोई नहीं, हमें फटाफट से भागना है यहाँ से। और पुलिस जो हमारे पीछे पड़ी है उसको चकमा देना है, अगर हम लोग पुलिस को चकमा नहीं दे पाते तो वो लोग हमें आराम से मार देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हो कि पुलिस किस लिए पीछे पड़ती है, हमें मारने के लिए। और हालांकि हमने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी स्टोर यहाँ पे लूटा है, बहुत बड़ा तो नहीं बट
मतलब छोटा भी नहीं बोल सकते, मीडियम जेवलिन स्टोर को लूटा है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ चुके हैं और पुलिस की गाड़ियाँ हमारे आसपास ही घूम रही है। हमें फटाफट से निकलना है और हमारे जो डोपिंदर भाई है, डोपिंदर भाई को गोलियाँ भी बढ़ रही है। तो अपन की गाड़ी ठुक गई यहाँ पे। अरे भाई साहब बबुआ थोड़ा देखे। तो हम लोग आ चुके गाइस इसके अंदर और अभी यार क्या यार क्या यार क्या यार, डोपिंदर तो मरवाएगा मेरे भाई। डोपिंदर भगा गाड़ी को भगा वरना मर जाएगा अपन लोग यार। तो यहाँ पे पुलिस से बचने के लिए हमने सहारा लिया है, एक गटर का, गटर की सुरंग का सहारा लिया है और गटर की सुरंग से अपन लोग भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और यहाँ पे जो मेरे टीम के जो टीममेट्स है उसके पीछे ही मुझे रहना है क्योंकि ये लोग पूरा रास्ता जानते हैं और हमें किस तरीके से बाहर निकलना है वो भी ये लोग ही जानते हैं। तो जो गटर के अंदर से बदबू भी आ रही है, गटर के अंदर काम भी चल रहा है कुछ, मतलब रिपेयरिंग काम, बट ये एकदम सही रास्ता था क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ इसके अंदर से नहीं आ सकती थी, बाइक वाले ही जा सकते थे। तो हम लोगों ने शॉर्ट कट लिया है। तो अभी अपन लोग जाने वाले, अरे गाड़ी को ठुक दिया, अरे बाबा यार वो भाग जाएगा, फटाफट कर रहे बाबा। अरे गाड़ी हमारी पीछे रह गई, हमें गाड़ी के, अरे यार क्या गाड़ी ठुक, हमें ड्राइवर बहुत ख़राब हो रहे मेरे को आज पता चला। चलो कोई नहीं यार, तो अभी अपन लोग फिर से अपने क्रू के पीछे भागेंगे और क्रू को छोड़ेंगे नहीं। अगर क्रू को हम क्रू से मतलब जो आता है क्रू से पीछे छूट जाते हैं, मतलब हमारे जो टीममेट्स उसके पीछे रह जाते हैं, तो हमें वापस से मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। बट अपन ऐसा नहीं होने देगा, अपन की ड्राइविंग स्किल के ऊपर कभी संदेह मत करना। बाजीराव की तलवार और अज्जू भाई की ड्राइविंग स्किल के ऊपर कभी संदेह नहीं करते। वैसे डायलॉग बहुत ही ख़राब तरीके से मैंने बोला, बट कोई नहीं, चलो यार गाइस चलता है और क्या बोले। और ड्राइविंग भाई साहब क्या भाई, क्या खूब लगती हो, बड़ी न बड़ी दिखती हो। चलो जाने तो गाड़ी को भगाओ फटाफट से यार, अपन जाने वाले ऊपर की सड़क। अरे भाई साहब ये मॉस्को की पुलिस, भाई क्या ही बोले यार। अरे मॉस्को की पुलिस नीचे आओ ना, ये सुरंग से आ जाओ तुम लोग यार, सुरंग में चलता नहीं हुआ यार, क्या ही बोले अभी तुम लोगों, क्या ही बोले, मतलब मेरे को यार क्या बोले, जान दो यार, जाने दो जाने दो जाने दो, गाड़ी भगाओ बस। तो हम लोग आने वाले गाइस सुरंग से बाहर निकलने वाले, पुलिस मॉस्को की पुलिस बाहर ही वेट कर रही है। और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने शिफ्ट किया है कंटेनर के अंदर और कंटेनर के अंदर मैं बैठ गया हूँ और पुलिस को मैं यहाँ से साइड कर दूंगा मेरी एक। अरे पुलिस की गाड़ी को जला डालेगी, अरे बम भड़ा के भाई साहब, ये हुई ना बात, बम बम बिंग, ये हुई ना बात। चलो और मेरी जो तीनों गाड़ी है वो मेरे आगे जा रही है और यहाँ पे और दो पुलिस की गाड़ी मिली, मैंने उड़ा दिया दो पुलिस को और आगे जाते और मेरी गाड़ी यहाँ पे फ्लिप मर गई है। बट कोई बात नहीं, सीधी हो जाएगी, जैसी सीधी होगी खड़ी हो जाएगी सही तरीके से, अपन लोग निकल लेंगे। वैसे खड़ी हुई की है, निकल लेते हैं। और जैसे ही गाइस देखो अभी पुलिस जैसे ही मेरा पीछा करना छोड़ेगी, पुलिस जैसे ही मेरे से पीछे रह जाएगी थोड़ी, मैं सीधा का सीधा जो मेरी तीनों गाड़ी है उसको मेरे जो इस कंटेनर को जो पीछे का कंटेनर है उसे ओपन करूँगा, इसका डिक्की ओपन करूँगा। डिक्की बोलेगी क्या बोलेगी इसको मेरे को इंग्लिश में पता नहीं इतना ज़्यादा, तो इसको मैं ओपन करूँगा, गाड़ी को सभी को तीनों की तीनों गाड़ी को मैं इसके अंदर ले लूँगा और फिर निकल जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से अभी पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से पीछे रह चुकी है और मुझे मैप में इतनी ज़्यादा पुलिस दिख भी नहीं है। तो इस सही टाइम में मैं अपने जो तीनों गाड़ी वाले हैं उसको मैं अपने कंटेनर के अंदर डाल लूँ और लेस्टर के पास जाऊँ, क्योंकि रोबरी के मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं और उस पैसों से मैं नई नई जो घर वगैरह होता है मैं घर वगैरह भी खरीद सकता हूँ। तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं मेरा अपना घर दिखाऊंगा, मेरा घर कैसा है, और भी बहुत सारे क्राइम हम लोग इस सिटी के अंदर करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो मेरी गाड़ी सभी जो थी उसको मैंने अंदर डाल दिया कंटेनर के अंदर। अभी इस गाड़ी को लेके मैं जाने वाला हूँ, ट्रक को लेके जाने वाला हूँ अपने लेस्टर के पास, और लेस्टर से मैं अपना पेमेंट ले लूँगा और उस पेमेंट के जरिए मैं घर लूँगा। अगर मैं घर लेता हुआ दिखाऊंगा आप लोगों को तो मेरे ख्याल से टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अपन लोग अभी के लिए जस्ट लेस्टर के पास जाएंगे और लेस्टर को ये सब चीज़ें दे देंगे। देखो लेस्टर का नाम प्रनाउंस में कोई गलती कर रहा हो तो सॉरी मेरे भाई। तो लाइक कर देना वीडियो को, ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और लाइक का इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से इसको मतलब रिएक्ट करोगे, रिस्पांस किस तरीके का मेरे को देखो, मेरे को नहीं पता है बिल्कुल भी। तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ऐसी और वीडियो के लिए। तो लेस्टर के साथ मेरी जो डील थी वो खत्म हो चुकी है यहाँ पे लूट की, और इसके जो पैसे मिले उसके जरिए मैं घर लूँगा वो मैं आपको कल के या परसों के जब भी वीडियो GTA भाई का जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर बताऊंगा। और फ्रैंकलिन का भी घर दिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बहुत सारे क्राइम अपन लोग करने वाले इसके अंदर। और जो ये टकलू है उसको याद जरूर रखना है, जो लेस्टर करके एक टकलू है बहुत ही काम की चीज़ है। चिमकांडी बहुत ज़्यादा आगे हमें प्रोजेक्ट देने वाली है जिसके ऊपर अपन लोग काम करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो मतलब चलते हैं गाइस, मिलते हैं कल सुबह एकदम बेहतरीन लाइव स्ट्रीम के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और फ्रैंकलिन से मैं बात कर रहा हूँ कि अपन को घर वगैरह लेना है, तो चलो गाइस बाय बाय सभी को, और क्या मिलते हैं फिर।